नशे के मरीज को बेहतर किया जा सकता है, और बीइंग फैमिली अगर आप उसे बेहतर करना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, तो उसके लिए आपको ये तीन चीज़ें करना ज़रूरी है, जिसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप इलाज को फॉलो करें, आप माहरीन को फॉलो करें, आप अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ ट्रीटमेंट आ जाएं, अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ साइंस आ जाएं। क्योंकि जब फैमिली इलाज को फॉलो करती है या माहरीन को फॉलो करती है, तो मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ऐसा होता है कि फैमिलीज़ इलाज को फॉलो करने की बजाय मरीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, और हर आने वाले दिन के साथ जिसकी वजह से वो तबाही की तरफ जा रहे होते हैं और ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे होते हैं। सो पहला पॉइंट, अगर आप मरीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो ये है कि आपने इलाज को फॉलो करना है, एक्सपर्ट्स को फॉलो करना है, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया में, हैं पाकिस्तान में भी हैं। और एक्सपर्ट्स वो होते हैं जिनके पास कोई डिग्री है या उन्होंने उनके पास कुछ तजर्बा है इस तरह के मरीज़ों को डील करने का। तो अगर कोई भी शख्स जो तजर्बा रखता है या जिसके पास डिग्री है, आप उनकी अम्ब्रेला के नीचे आएंगे, जब उनको फॉलो करेंगे, तो एक्चुअली आप साइंस को फॉलो करेंगे, और इससे आपके मरीज़ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ है जो कि आप अगर अपने पेशेंट को, नशे के मरीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप उनकी इनेबलिंग ना करें, यानी आप उनकी मुआवनत ना करें। उनकी बीमारी की वजह से जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जो खराबियां पैदा होती हैं, उनको करेक्ट ना करें, उनको ठीक ना करें, बल्कि उनकी उन प्रॉब्लम्स और ख़राबियों को मरीज़ तक पहुंचने दें। जब भी आप मरीज़ की बीमारी की वजह से पैदा होने वाली खराबियों और तकलीफ़ों को मरीज़ तक जाने देते हैं, तो इससे मरीज़ में बेहतरी की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मगर अगर आप मरीज़ की खराबियों और बीमारी की वजह से पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स की राह में दीवार बन जाते हैं, और वो सब अपने ऊपर लेते रहते हैं, तो मरीज़ के बेहतर होने की जो चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मरीज़ डिनाइल में रहता है, रियलाइज़ नहीं करता। और तीसरी जो चीज़ है जो मरीज़ को बेहतर होने में मदद कर सकती है, वो ये है कि आप उन्हें प्रोवोक ना करें। क्योंकि फैमिलीज़ जब इनेबल करती हैं, तो फिर उसके बाद वो उन्हें प्रोवोक करते हैं, उनके साथ उनको ताने देते हैं, बुरा भला कहते हैं, शेम इंड्यूस करते हैं, उनके अंदर गिल्ट इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट और ज़्यादा ड्रग्स के करीब जाता है, ना कि वो बेहतर होता है। तो ये तीन चीज़ें करके आप अपने नशे के मरीज़ को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। कि आप मरीज़ को फॉलो ना करें, बल्कि आप इलाज को फॉलो करें, साइंस को फॉलो करें, टेस्टेड मेथड्स, प्रूव्ड मेथड्स जो हैं, जो कि माहरीन आपको बताते हैं, उनको फॉलो करें, आपके पेशेंट में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, आप उन्हें इनेबल ना करें, बल्कि उनकी बीमारी की जो खराबियां हैं, उनकी बीमारी की वजह से पैदा होने वाले जो मसाइल हैं, वो उन तक जाने दें। और तीसरा जो है, आपने उनको ताने नहीं देने, बुरा भला नहीं कहना, प्रोवोक नहीं करना, उनको असर्ट ज़रूर करना है। जब आप उन्हें असर्ट करेंगे, उनको डिसिप्लिन करेंगे प्रोवोक किए बगैर, तो इससे भी मरीज़ के अंदर बेहतरियां पैदा होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है? नशे का मरीज हर रोज नशा छोड़ने की बात करता है और फिर चाहता है कि खुद ही ऐसा कर गुजरे। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया है, मगर ये तरीका ज्यादातर काम नहीं करता। आखिरकार वो फिसल जाता है और दोबारा नशा शुरू कर देता है। फिर बहुत नदामत होती है। नशा छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? नशा छोड़ना मुश्किल इसलिए है कि यह एक दिमागी बीमारी है। नशा करते रहने को दिल चाहता है, हालांकि नशा हमें बर्बाद कर रहा होता है। नशा छोड़ने के लिए मदद की जरूरत होती है। हमारा दिमाग कंट्रोल टावर की तरह सिग्नल भेजता है, ताकि हम जान लें कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। वो हमें दूसरे रास्ते भी बताता है। नशा करने से दिमाग के कीमियाई सिग्नल बदलने लगते हैं। आपकी पसंद और नापसंद बदल जाती है। फिर आप वो करते हैं जो नशा आपसे करवाता है। आप पूरी तरह नशे के काबू में आ जाते हैं। दिमाग में मजे का मरकज तब मुतहरिक होता है जब आप खाते हैं, आपको प्यार होता है, या फिर किसी मजेदार तजुर्बे से गुजरते हैं। दिमाग का जो हिस्सा आपको मजे का एहसास दिलाता है, वो भी नशे का रसिया हो जाता है और बाकी चीजों से मुंह मोड़ लेता है। नशा एक तरह से दिमाग को अगवा कर लेता है
और दिमाग के लिए नशा सब चीजों से ज्यादा अहम हो जाता है। जब कोई नशा करता है तो पहले पहल उसे कैफो जरूर मिलता है, मजा आना अच्छा लगता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सरूर इतना भरपूर और देरपा नहीं रहता। एक तरह से नशे में बरकत नहीं रहती और फिर बस हर वक्त नशा चाहिए। नशा न करें तो बहुत स्यापा होता है। इसे कहते हैं कि आपको नशे की लत लग गई है, मगर आपको इस तरह नशे के चुंगल में फंसे रहने की जरूरत नहीं। नशा छोड़ना मुश्किल है, मगर ये ऐन मुमकिन है। दुनिया में रोजाना लाखों लोग नशा छोड़ते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को नशे की बीमारी है तो मदद हासिल कीजिए। सदाकत क्लिनिक से मदद हासिल कीजिए। यहाँ से नहीं तो किसी से भी मदद हासिल कीजिए, पर मदद जरूर हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ए पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सदाकत क्लिनिक। अभी कॉल कीजिए मरी 0300-741-3639, कराची 0314-686-5271।